रज्जत ऑर्केस्ट्रा वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा बताना। और बैड न्यूज भी है, देखो हमारी भी ऐसी होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब अच्छे होंगे। और यार कल थोड़ा सा झूठ बोल के मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आज भी आकाश का फ़ोन आया था, कह रहा था क्या बना भाई तेरे काम का, काम हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ, अभी भी सेम सिचुएशन पे है और मुझे पता नहीं है कि मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। काफ़ी मुश्किल है, शाम तक का टाइम है मेरे पास। तो कह रहा था यार भगवान करे तेरा काम हो जाए, सबका भला हो जाएगा। यार अब मैं सोच रहा हूँ, बताऊँ तो मैं अब कैसे बताऊँ। बट कोई नहीं, अभी दोबारा फ़ोन आया था तो बाइक रोक के थोड़ी देर में मैं उसे कॉल करके कंफर्म कर दूँगा कि भाई माफ़ कर दियो, काम तो पहले ही हो चुका था। बट मैं थोड़ा सा फिरकी ले रहा था। बट वही बात है ना यार, फिरकी के चक्कर में कल उसने बोला नहीं, वैसे देखो कि उसने बोला कि ट्रेन की टिकट नहीं कराई अम्बाला तक कि यहाँ से, मेरे चक्कर में, क्योंकि मेरा मुश्किल था। बट बात ये भी है कि जब ट्रेन की टिकट की बात चल रही थी ना, उस टाइम सच में ही काम नहीं हुआ था। 3 दिन तो मेरे को सीरियसली बहुत ज़्यादा भागना पड़ा था इधर से उधर, और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि शायद अब तक काम होगा कि नहीं होगा। ऐसा सिचुएशन था, वो सिचुएशन बिल्कुल सही था, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला था उस टाइम। और मेरा भी ऐसे था कि लाइक अगर काम होगा, काम हो जाएगा तब मैं जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि उड़ीसा तो मैं बाद में भी जा सकता हूँ, पर वहाँ जाने के लिए ना ये ज़्यादा होना, ये काम ज़्यादा ज़रूरी था वहाँ के कंपैरेटिवली। मैं बाद में सोलो भी जा सकता अगर मेरा मन करे तो, बट ये काम अगर मैं घर पे नहीं होता तो नहीं हो पाता। इसीलिए मेरे पे 2 चॉइस में से 1 चॉइस मेरा प्रायोरिटी में ये था, तब मैंने इसे बोला था। वो बात उस टाइम बिल्कुल सच थी। फिर बाद में जब यार एक आधे दिन पहले हुआ है वो काम, पूरा काम जो है वो एक आधे दिन पहले ख़त्म हुआ है, तो इस करके भी मैं भाई शाम तक सब कुछ ठीक हो, ऐसा सिनेरियो कोई ना बने कि लाइक मेरे को सोचना पड़े जाने से पहले। एक सिनेरियो जैसे ये बना था, दूसरा सिचुएशन मेरे आगे ऐसा नहीं आना चाहिए, भगवान से ही प्रे करता हूँ। अब जैसे टाइम पास आता जा रहा है ना, कि मेरे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एक डर होता है ना घर छोड़ने का। सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर से बाहर निकलता नहीं हूँ, और जब जाता भी तो साल में एक आधी बार होता है जब मैं थोड़ा दिन के लिए घर से निकलता हूँ, वरना मैं घर से ज़्यादा निकलता नहीं हूँ, ज़्यादा दिन के लिए बाहर नहीं जाता हूँ। तो मेरे को वो जो घर छोड़ने का डर है ना, वो डर है मेरे माइंड में, ये चीज़ भी है। इसलिए भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है मुझे घर छोड़ने से पहले, और जबकि मैं पहले प्रे कर रहा होता हूँ कि मुझे जाना है। और ये वाली ट्रिप की प्लानिंग तो कितने, आई थिंक 4-5 महीने पहले की थी हम लोगों ने, तब की टिकटें हैं, और तब से इस दिन का वेट हो रहा था। जब वेट फिनिश हुआ तो डबल माइंडेड हो रहा हूँ, पर मैं जाऊँगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं जाऊँगा, जाऊँगा ज़रूर, जाना ज़रूरी है। और मेरे तो बहुत सारे प्लान है यार, बहुत सारे प्लान है, सोलो भी प्लान है। मैं देखो बैठ के प्लान बनाता रहता हूँ, मैं सोलो भी चले जाऊँगा, फ्रेंड्स के साथ भी चला जाऊँगा, ये वो फलाना ढिमकाना। बस जो लास्ट मोमेंट होता है ना, वही थोड़ा सा मुश्किल होता है यार। फिलहाल तो यार कहीं बाइक रोक के ना आकाश को इन्फॉर्म कर दूँ पहले तो बेचारे को, क्योंकि उसी से मैंने झूठ बोला है। अरे भाई इतनी दूर से ये करने के लिए आए हो? कह रहा है एक सेकंड में न्यूट्रल कर दूँ, सेकंड मैं स्टार्ट कर दूँ भाई, वैसा साउंड नहीं आएगा यार। बट मेरे को ये सुन के अच्छा लगा कि पता है आपको कि ये जिक्सर है, ये लो बस, ये तो वही है, वही साउंड है बस। इतनी दूर से आया, बोल तो मेरे को रैप करके देखने। ओके सारा दिन अच्छे से निकल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम होगी। बीच रास्ते पे खड़ा हूँ, बाइक में प्रॉब्लम नहीं आई, गोप्रो में प्रॉब्लम आई, बताता हूँ क्या। ये रहा गोप्रो, कल इसी से व्लॉग बनाया था ना रात को, तो मैं इसको चार्ज करना भूल गया। मेरे को लगा ज़्यादा फुटेज तो नहीं थी, बैटरी ख़त्म नहीं हुई होगी, पर बैटरी तो बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी। अब इसको जेब में डालेंगे और घर चलते हैं, यहाँ का काम ख़त्म करके। मैंने आकाश को फ़ोन कर दिया, उसे इन्फॉर्म भी कर दिया
कि निश्चित हो कि मैं भी अब साथ में जा सकता हूँ तुम्हारे। डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, काम मेरा कल ही हो चुका था। मैंने बस थोड़ा सा फिरकी लेने के लिए झूठ बोला कल की वीडियो, कल झूठ बोला था। ऑल दो काम सबको हो चुका है, और मैं सही बताऊँ हमेशा की तरह इस बार भी वही हुआ मेरे साथ, लास्ट टाइम है और अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है। 10 दिन का सामान पैक करना है, और मैं सोच रहा हूँ कि सामान कम ही लेके जाऊँ, क्योंकि जितने ज़्यादा सामान लेके जाऊँगा बैग उतना ज़्यादा भरेगा और उतने ज़्यादा बैग चाहिए होंगे। मेरे को घूमना है, कोई सामान का बोझ सर पे लेके नहीं घूमना है। कल करते हुए अब इतना लेट हो चुका है कि शाम को, अभी रात को निकलना है, बट मेरी अभी तक पैकिंग नहीं हुई है और वो कल के चक्कर में रह गया मैं। अब मिलते, सीधा रात को मिलेंगे हम सब, एक जगह पे इकट्ठे होने वाले हैं, उस पॉइंट पे मिलेंगे। लग रहा है कि नहीं ऑर्केस्ट्रा वाला ये भाई रजत, ऑर्केस्ट्रा वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा बताना। एक दो तीन और तीन, वो हम 6 जने जो कि पूरा 10 दिन का ट्रैवल करने वाले हैं। और आई थिंक 1 घंटा हो गया, 4 बजे की ट्रेन है, हम लोग 1 बजे आके बैठे हुए हैं। देखो कर, अभी ऑलमोस्ट 3-4 घंटे हैं, तो खाने पीने का सामान सब इसी ने कैरी किया हुआ है। बेइज्जती करो, तेरी तारीफ कर रहा कि तूने बचा लिया अपने। लेके नहीं आया, कैरी कर। अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और 4:15 की ट्रेन है। कोई सो रहा है, कोई बाहर गया हुआ है, तो मैं भी ऐसे सीधा वॉक पे निकल आया था, काफ़ी टाइम है। अभी 3 बज रहे हैं, 1.5 घंटा हो रह गया, तो मैं ऐसे वॉक पे निकल आया रेलवे स्टेशन, देख रहा था कैसा है। तो सब कुछ कोने कोने छान मारे, देखा अच्छे से, काफ़ी यार बिजी रहता है रेलवे स्टेशन, पता नहीं चलता लोगों का, आ रहे जा रहे कॉन्टीन्यूसली लगा हुआ है, ट्रेनें आ रही हैं लगातार, अनाउंसमेंट हो रहे हैं, बस अब इंतजार है तो सुबह 4 बजे का। 4 बज जाए ट्रेन आ जाए, फिर सफ़र चालू होगा असली। 2 दिन ट्रेन में निकाल लें, 9 तारीख की ट्रेन, 10 की अर्ली मॉर्निंग में बैठे हैं, तो 11 तारीख की शाम को पहुँचेंगे हम, तो काफ़ी लंबा सफ़र है। ऑलमोस्ट टाइम हो गया ट्रेन के आने का, और बैड न्यूज भी है, 20 मिनट का डिले है। कट देख, मैंने एक बात बोली थी बस में बैठ के, मैं आज के टाइम में साइलेंट व्लॉग चल रहे हैं। मैं साइलेंट व्लॉग बोलते रहो। तो जो ट्रेन 4:20 पे आनी थी वो आएगी 4:40 या 4:45 तक। पंडित जी कुछ करके मानेंगे। सेठ जी लग रहे हैं पूरा इन कपड़ों में। तो 4:50 4:45 4:20 ऐसे कुछ में आएगी। केदार दौड़ो दौड़ो प्लेटफॉर्म पे चल। तू पता है कैसा लग रहा है रजत, देख वो नहीं होते मूवीज में डिजाइनर, नहीं होते फैशन डिजाइनर, चाय क्या किसका नाम बढ़िया। प्लेटफॉर्म नंबर भी चेंज हो गया, 1 पे खड़े 2 पे जाना है। खत्म, सुगर ट्रेन आ गई, क्या मार धाड़ है यार, उधर देखो हमारे भी ऐसी होगी, हमारा भी यही हाल होगा। आ जाओ, चलो चलो बच्चे आगे हो जाओ। और 37, 38 और 40, तो हम अपनी जगह छोड़ेंगे, याद है हमें।
मार धाड़ है, टिकट अपनी होने के बावजूद मार धाड़ है। चलो भाई आगे, क्या भीड़ है यार। बैग दे दे पहले अपना, आ जाएगा बैग, बंदे ऊपर आते आ जाएंगे बैग। ऐसा कह तो रहे हैं, बाकी पता नहीं। चलो बस दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अभी ट्रेन की जर्नी चालू हो चुकी है, इससे काम चला रहा हूँ लाइट का, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है और बहुत मारा मारी है यार ट्रेन का। मेरे को मैंने कभी पहले ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, सो देखते हैं इसी को अब कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतने, दो दिन का सफ़र है, पूरे दो दिन ऐसे गुजारने छोटे से बंकर से में, यही जगह है बस। सो मिलते हैं अब, कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही झेल सकता हूँ।